इसको करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल मध्य प्रदेश, विषय पिछोड़ विधानसभा के पूर्व बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के संबंध में ज्ञापन। महोदय, सर ब्राह्मण समाज द्वारा आज दिनांक 23/8/2022 को आपके नाम कलेक्टर छतरपुर को उपरुक्त विषय के संबंध में निम्नानुसार ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम, मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी की पिछोर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी श्री प्रीतम सिंह लोधी द्वारा महारानी अवन किराई लोधी के जन्मोत्सव पर दिनांक 17 अगस्त 2022 ग्राम मदरवास में आयोजित एक कार्यक्रम में सनातन धर्म की संस्कृति के बाहर ब्राह्मणों के विरुद्ध दुष्प्रचार करते हुए अमर्यादित आदरणीय धर्म रूप अश्लील भाषा का उपयोग करते हुए कुठाराघात किया गया है, जिससे प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज एवं धर्म संस्कृति को बचाने वाले संतों कथावाचकों एवं पुजारियों में बहुत ही आक्रोश है। श्री प्रीतम लोधी द्वारा कथावाचकों के साथ साथ महिलाओं के विरुद्ध भी अमर्यादित टिप्पणी एक मंच पर की गई है, जिससे महिलाओं के आत्मसम्मान को बहुत ही ठेस पहुंची है, जिसके लिए प्रदेश की महिलाएं भी बहुत ही आक्रोशित हैं। प्रीतम लोधी ने उक्त टिप्पणी महारानी वीरांगनी अवंती बाई के जन्मोत्सव पर लोधी समाज के एवं अन्य वर्गों के समक्ष मंच से की है, जिससे उक्त समाज के लोगों में ब्राह्मण समाज के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो सकती है एवं प्रदेश के अंदर बनी हुई शांति व्यवस्था भंग हो सकती है और प्रदेश के अंदर वर्गभेद की विचारधारा उत्पन्न हो जाने से भविष्य में कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है। श्री प्रीतम लोधी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके ऊपर लगभग 42 मुकदमे आपराधिक रिकॉर्ड के चल रहे हैं, इसलिए यह इस प्रकार का कृत्य प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए कर रहे हैं। अतः सब ब्राह्मण समाज छतरपुर की मांग है कि उक्त आदतन अपराधी के संबंध में छतरपुर कोतवाली में FIR दर्ज की जाए एवं उक्त अपराधी की अवैध संपत्ति को बुलडोजर चला के नष्ट किया जाए, जैसा कि अन्य अपराधियों के लिए भी होता है। अतः श्रीमान से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन है कि उक्त व्यक्ति श्री प्रीतम लोधी पर कठोरतम कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे इस प्रकार के लोग उत्पन्न न हो सके और प्रदेश की शांति व्यवस्था कायम रहे, जिसके लिए हमारा मध्य प्रदेश जाना जाता है। वो असभ्य भाषा ब्राह्मणों के ऊपर छींटाकाछी अभद्र टिप्पणी करते हैं बराबर, और इसके खिलाफ ब्राह्मण समाज ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है कलेक्टर ने। परंतु मुझे इस बात का बड़ा संकोच, बस कह लो या किसी प्रकार से कह लो, कि आला जिले के जो आला कमान अधिकारी है, चाहे SP हो या कलेक्टर हो, जब ब्राह्मण समाज ज्ञापन देने आता है तो ना SP साहब मिलते हैं ना कलेक्टर साहब मिलते हैं, बोले इनको दे दिया जाए, इनके द्वारा दे दिया जाए। तो क्या ये ब्राह्मण समाज का जो ये वर्ग है, क्या उपेक्षित करने में लगे हैं सब लोग, अधिकारी भी लगे हैं इस संबंध में? ब्राह्मण से क्या बुराई है आखिर? ब्राह्मण किसी के खिलाफ कभी क्यों नहीं बोलता? चाहे जिसको देखा जाए, चाहे जिस, हमने कई आर्मियां देखी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, परंतु सब आर्मियां ब्राह्मणों को लक्ष्य किए हैं। क्षत्रियों से इन्हें डर है, वैश्यों से ये डरते नहीं है, ब्राह्मणों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। इसके सिवा ब्राह्मण संरक्षण के लिए मैं फिर कानून से मांग करता हूँ कि ब्राह्मण संरक्षण की जाए, क्योंकि हम लोग अगर फिर परशुराम बन गए तो समाज में अशांति आ जाएगी। हम शांति बनाए रखना चाहते हैं, शांति दूत बन करके इस समय ज्ञापन सौंपा जा रहा है और हम मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है हमने कलेक्ट्रेट में, और मुख्यमंत्री श्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मैं निवेदन करता हूँ पुनः कि इस व्यवस्था को बनाए रखें, ब्राह्मण की एकता संप्रभुता और उनकी अखंडता को इस प्रकार की आँच ना आने दें, उनका संरक्षण करें। आपका यह दायित्व भी है, कानून के जितने अधिकारी हैं वे दायित्व हैं कि किसी प्रकार से अगर ब्राह्मण बोलता है तो आप बताइए। ब्राह्मण कभी किसी के खिलाफ अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करता है, केवल सभी कई वर्ग में जाति विशेष का नाम नहीं लेता, सीधा ब्राह्मण को लक्ष्य बनाया जाता है। क्या क्या है ये? इसलिए मैं हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करता हूँ श्री माननीय जी मुख्यमंत्री जी से कि इस पर संज्ञान लें और कलेक्ट्रेट में हमने आज ज्ञापन दिया। देखो मुख्य अधिकारी नहीं मिलते हैं और अधिकारी तो मिलते हैं, देखो पुलिस व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं सब कुछ किया जाता है, ऐसा नहीं है। मैं तो आला कमान जो जिले के अधिकारी है, जैसे SP है, कलेक्टर है, आज की बात नहीं है, जब जब भी ब्राह्मण समाज अपना ज्ञापन देने आता है तब तक की शिकायत मैं कर रहा हूँ। और ये आप चलाइए सोशल मीडिया पर, मुख्यमंत्री तक जाए कि जिले छतरपुर में ये क्या ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, पक्षपात किया जाता है, कि ब्राह्मण जब ब्राह्मण एकता होकर के ज्ञापन देने आता है तो ना SP मिलते हैं ना कलेक्टर साहब मिलते हैं। ज्ञापन दिया है तो प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बड़े लेवल से आंदोलन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसलिए एक बात पुनः हम कहते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। हम ब्राह्मण जो वर्ग के निर्देशक हैं, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। अभी आपने देखा होगा इतने में पूरी व्यवस्था में वहाँ से मोटे के महावीर से CSP से ऑफिस गए, कलेक्ट्रेट तक आए, कहीं कोई भी अशब्द भाषा का अभद्र टिप्पणी हमारे साथियों ने की कहीं नहीं। पर अन्य वर्ग के जो रैलियां निकलती हैं, कई अशब्द भाषा करते हैं, हम लोग नहीं बोलते। जब व्यक्तिगत रूप से इनने व्यक्ति रूप
व्यक्तिगत रूप से हमने ज्ञापन दिया है। प्रीतम लोधी ने जब छीटा काछी अशब्द भाषा का प्रयोग किया जिसमें अशांति फैल सकती है प्रदेश में, गलत मैंने बताया ना, वो तो ब्राह्मण जो आचार्य हैं, शास्त्री हैं, कथावाचक हैं, श्री बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। हमने बताया ना कि ब्राह्मण कुछ भी करे उसको लक्ष्य बनाया जाता है, बस कोई भी हो,